हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहली बार नदी मार्ग से जुटा रहे ब्रह्मपुत्र का डाटा, शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुवाहाटी में किया ब्रह्मपुत्र आवंटन अभियान के दल का स्वागत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आम जन से नदियों को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। ब्रह्मपुत्र आम जल अभियान के रिवर राफ्टिंग दल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पानी कीचड़ आदि को जमा कर अनुसंधान करना और वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना है। माचखोवा स्थित प्रोप ज्योति आईटी सेंटर में रिवर राफ्टिंग टीम के गुवाहाटी पहुंचने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्र मंत्री शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी साझा की। शेखावत ने कहा कि ब्रह्मपुत्र का पानी अभी भी काफी साफ है। अगर इस नदी को स्वच्छ बनाए रखना है तो इसे प्लास्टिक और कचरे से मुक्त होना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक ब्रह्मपुत्र को लेकर जो भी डाटा एकत्रित किया गया है वो सड़क मार्ग से यात्रा करके एकत्र किया गया है। पहली बार डाटा जुटाने के लिए नदी मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। दल ने गुवाहाटी में पारंपरिक मार्ग बिहू मनाया, कामाख्या और उमानंद मंदिरों का दौरा किया। समारोह के दौरान एनडीआरएफ की ओर से आपातकाल में प्रयोग होने वाले संसाधनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। रिवर राफ्टिंग अभियान की टीम लीडर सुहासिनी शेखावत ने कहा कि रिवर राफ्टिंग अभियान 29 दिनों का है, जो 9 से 13 किलोमीटर की कुल यात्रा पूरी करने के बाद धूरी जिले की भारत बांग्लादेश सीमा पर समाप्त होगा। समारोह में असम के उद्योग एवं वाणिज्यिक आदि मामलों के मंत्री चंद्रमोहन पटवारी, एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान, एनडीआरएफ पूर्व और उत्तर पूर्व के उप महानिरीक्षक मनोज कुमार यादव, प्रथम एनडीआरएफ के कमांडर आरएस गिल, प्रथम बटालियन एनडीआरएफ के अधिकारी व जवान और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण में शामिल सभी प्रतिभागियों एवं संस्थाओं का स्वागत और सम्मान किया गया। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।